क्या आप जानते हैं अगर राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बन गए तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? वैसे तो हर कोई जानता है कि राहुल गांधी भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले वो क्या काम करेंगे और किस काम को अंजाम देंगे, शायद ही इस बात से कोई वाकिफ हो। आप तरह तरह की बातें सोचें, आपके जहन में तरह तरह के सवाल उठे, उससे पहले चलिए बिना देर किए आपको पूरी खबर बताते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करना चाहते हैं। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने ही किया, लेकिन कब, कहां और क्या कहा है, इसे जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बार दिवाली कन्याकुमारी के सेंट जोसेफ मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ मनाई, जिसके बाद राहुल गांधी ने स्कूल के बच्चों और टीचर्स के साथ हुई मीटिंग का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बाकायदा लिखा, कन्याकुमारी के मुलागुमड़ू में स्थित सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल के दोस्तों के साथ डिनर और बातचीत की। इनके यहाँ आने से दिवाली और भी खास बन गई। संस्कृतियों का ये मिलन ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है और हमें इसे संरक्षित करना चाहिए। राहुल गांधी जिस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए नजर आए, उसी में वो बोलते हुए दिख रही हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो सबसे पहले क्या करेंगे। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से एक शख्स पूछता है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी सरकार का पहला काम क्या होगा। इसके बाद राहुल गांधी ने बिना रुके कहा कि वो महिला आरक्षण देंगे। जी हाँ, सही सुना। इसके साथ वीडियो में एक मौके पर राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि वो अपने बच्चों को विनम्रता सिखाएंगे, क्योंकि विनम्रता से आपको समझ मिलती है। जाते जाते आपको राहुल गांधी के उस पूरे वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। देखिए और फिर कमेंट करके बताइएगा इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है। हेलो, हाउ आर यू? Somebody found a chain of the birth, so thinking that this is the emergency toilet chain. I really appreciate you and your sister's participation in the struggle of the farmers. It was really showing that you are oneness with the people. What will be the first government order you will be publishing as soon as you become a prime minister? I would give women's reservation. If somebody asked me, what would you teach your child one thing, I would say humility. Because from humility, you get understanding. And what is the dinner plan? They make us some arrangement there. Can we arrange chola bhatura dinner here? That would be good.